पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज सिंह को एक पत्र लिखा है। दिग्विजय सिंह ने टेम और सुठालिया परियोजना के डूब प्रभावितों की समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर मिलने का समय मांगा है। उन्होंने आज कहा कि 20 जनवरी तक मुख्यमंत्री मिलने का समय नहीं देंगे तो डूब प्रभावित किसानों के साथ 21 तारीख को मुख्यमंत्री निवास के सामने धरने पर बैठेंगे। मध्य प्रदेश के दो सिंचाई बांध, एक टेम नदी पर, एक पार्वती नदी पर, जिससे कि 4 जिलों के किसानों की ज़मीनें डूब में जा रही हैं, ठेके हो गए। जो एक हियरिंग होना चाहिए, पब्लिक हियरिंग होना चाहिए, वो नहीं हुई और लोगों के खेत खुदने शुरू हो गए, लेकिन आज तक मुआवजे का निर्णय नहीं हुआ। विदिशा जिले की लटेरी, भोपाल जिले के बैरसिया, गुना जिले के राहुगढ़ तहसील और राजगढ़ जिले की ब्यावरा तहसील, इनके हजारों किसानों की ना मुआवजे तय हुए, सर्वेक्षण तक नहीं हुआ। कुएं का, पाइपलाइन का, घरों का, पेड़ों का कोई अभी तक सर्वेक्षण नहीं हुआ, जिसकी मैं मांग करता चला। मैं खुद गया हूँ इन गांव में, रात को रुका हूँ इनके गांव में। मैंने खुद मुख्यमंत्री से लगभग 1.5 महीने से समय मांग रहा हूँ कि आप इस डेलीगेशन से मिल लीजिए। कोविड में मैं भीड़ नहीं चाहता। हर ज़िले से 5-5 लोगों का डेलीगेशन, 5-5 मिनट का, मैंने 20 मिनट का समय मांगा है और इसका मैंने इस प्रतिनिधिमंडल को मुख्य सचिव से भी मिलवाया है। लेकिन मुख्य सचिव जी का ये कहने का आदेश करने के बावजूद भी अभी किसानों में संतोष नहीं है। हालांकि कुछ काम उनके कहने से सर्वेक्षण होना शुरू हुआ है। क्या मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, जो कि अपने आप को किसान पुत्र कहता है, किसानों के खेत डूब रहे हैं, मुआवजा नहीं मिल पा रहा है, उसकी मांग यदि भूतपूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान सांसद अगर मिलने का समय मांग रहा है और आपके पास 1.5 महीने से 20 मिनट का समय नहीं है? मैंने उनको सचेत कर दिया है कि आपने यदि 20 तारीख तक समय नहीं दिया तो मैं 21 तारीख को आपके घर के सामने बैठकर धरना दूंगा। जब तक आपसे मुलाकात नहीं होगी तब तक नहीं उठूंगा और मेरे साथ उन 4 जिलों के डूब क्षेत्र के लोग भी रहेंगे। मैं आपको सूचित कर देता हूँ। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।